जितना काम 20 सालों में नहीं करवाया विपक्ष, उतना काम उमेश कुमार शर्मा ने 2 सालों में अपने खानपुर विधानसभा में करके दिखाया है। कि मेरा ये विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पे बहुत बुरी तरह से चुनाव हारने वाली है और भारतीय जनता पार्टी और उमेश कुमार जी की फाइट होगी। खानपुर में पारते से हरिद्वार लोकसभा में पारे, अब तो पहले छोटा कुंभ बाद अब तो बहुत बड़ा कुंभ है। आप आप देख सकते हैं लोगों का प्यार जो है, लोग सड़कों पर हैं और सभी जगह जो है जन प्रचार के दौरान, जनसंपर्क के दौरान सभी का प्यार मिल रहा है, मोहब्बत मिल रही है और ये एक बदलाव की लड़ाई है, ऐतिहासिक लड़ाई है, हरिद्वार के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है और इस बार लोग लड़कर हरिद्वार के सम्मान स्वाभिमान को बचाना चाहते हैं और ये जो विदेशी प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं इनको उड़ाना चाहते हैं। उमेश कुमार जिंदाबाद जी, झबरेड़ा विधानसभा में हैं और लोगों के साथ संपर्क बना रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि झबरेड़ा विधानसभा से कितनी सहमति है उनकी? यहाँ विधानसभा झबरेड़ा से पूरी पूरी सहमति है और बल्कि लोगों के चाहते हैं भाई उमेश कुमार जी और जनता के दिलों पर राज करते हैं और जनहित के मुद्दे भी उठाते रहे हैं और काफ़ी मुद्दे इन्होंने सोल्व भी किए हैं और हम लोगों का भी एक अपना मुद्दा है, जैसे ईंट भट्टा मजदूर यूनियन को लेकर के पिछले 5 सालों से अब तक मजदूरों को उनका न्यूनतम वेतन हक नहीं मिला जो कि 2019 से अब तक नहीं मिल पाया, ठीक है। और भाई उमेश जी ने आश्वासन दिया है कि ये मैं आपका समस्या का समाधान करके रहूँगा क्योंकि ये मजदूर है और ये असंगठित क्षेत्र के मजदूर है और हम झबरेड़े के वासी हैं और झबरेड़ा में पूरा उनका पूरा सहयोग है, तहदिल से सहयोग है और जनता के दिलों पर राज करने वाले उमेश कुमार ऐसे निर्दलीय ऐसे पहले विधायक है जिन्होंने पूरे लोकसभा हरिद्वार में पूरा परचम लहराया है। अच्छा, एक बात हो रही है कि यहाँ पे झबरेड़ा में जो वर्तमान विधायक है वीरेंद्र जाति कांग्रेस पार्टी से है, तो क्या उस चीज़ का फर्क इन पर पड़ने वाला है कि कांग्रेस पार्टी इस पे यहाँ की वोट कांग्रेस पार्टी पे ज़्यादा जाएगी या फिर उमेश कुमार जी निर्दलीय पे ज़्यादा आएगी? देखिए, पहली बात तो ये किसी पार्टी से नहीं, उमेश कुमार जी और ये निर्दलीय है और जो विधायक रह चुके हैं यहाँ, मतलब जो वर्तमान में विधायक है, इतना खासा प्रभाव नहीं पड़ने वाला जितना प्रभाव जितना असर उमेश भाई का है। हरिद्वार के लोग एक्चुअली जो है ना, मैं आपको बताऊं, हरिद्वार के लोग आज की तारीख में विपक्ष के रूप में उमेश कुमार जी को देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी विधानसभा के अंदर विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है और मैं तो कहता हूँ पूरे देश में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है, आज भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत बोने नजर आ रहे हैं। और जहाँ तक उमेश कुमार जी का सवाल है, उमेश कुमार जी सिंगल विधायक ऐसे हैं जो आज कांग्रेस से ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और मैं आपको बता दूँ कि मेरा ये विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बहुत बुरी तरह से चुनाव हारने वाली है और भारतीय जनता पार्टी और उमेश कुमार जी की फाइट होगी, निश्चित रूप से उमेश कुमार जी चुनाव जीतेंगे। उमेश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस से ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं, तो फिर उमेश कुमार जी ने कांग्रेस पार्टी से डिमांड क्यों की थी? ये मैं नहीं बता सकता भाई साहब, ये राजनीतिक भंड है, ये तो आपको उमेश कुमार जी बता, मैं तो नहीं मानता हूँ उमेश कुमार जी ने टिकट मांगा, मैं तो मानता ही नहीं। मैं तो मानता हूँ स्टार्टिंग से उमेश कुमार जी ने पहले भी इंडिपेंडेंट राजनीति की है, खानपुर के अंदर उन्होंने ये साबित कर दिया कि दिग्गज नेता जो 20 साल से वहाँ विधायक थे, कांग्रेस से लड़े, इंडिपेंडेंट लड़े, भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे, उन्होंने 20 साल के विधायक को वहाँ पे चुनाव हराया। और यहाँ पे भी मैं आपको यकीन दिला देना चाहते हूँ कि यहाँ पे दो दो मुख्यमंत्रियों को यहाँ पे उमेश कुमार जी चुनाव हराएंगे। कांग्रेस से जो प्रत्याशी वीरेंद्र रावत, वो ये भी बोलते कि उमेश कुमार को तो मैं खानपुर में ही चित कर दूंगा, तो क्या ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस है? ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस है, ये लोग देख रहे हैं, हरिद्वार के लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि आज विधानसभा के अंदर हरिद्वार के मुद्दों को उठाने का जो काम वो खानपुर से विधायक है, लेकिन पूरे हरिद्वार के नहीं, पूरे उत्तराखंड के मुद्दों को माननीय विधायक जी उठाने का काम करते हैं। मैं आपको ये विश्वास दिला दूं, मीडिया बंदो, आप तो मेरे से ज़्यादा जानते हैं, कवरेज कर रहे हैं, ये हजूम जो आप देख रहे हैं ये सच्चे लोग रमज़ान के महीने में रोज़ा रख करके लोग धूप में घूम रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है, ये दिलो जान से मुस्लिम समाज। और मैं आपको बता दूं, BSP का कैंडिडेट इतना कमज़ोर आ गया, मेरे SC समाज के लोगों से मेरी बहुत बात होती रहती है, SC समाज और मुस्लिम समाज और सर्व समाज का समर्थन माननीय उमेश कुमार जी के साथ है। इधर भी बात करते हैं, वो नहीं कोई कामयाब नहीं, तो इसके सामने सब फैल जाएंगे भाई। इन्ना त्रिवेंद्र रावत इन्ना कुंभ खाएगा था नहीं, अरे इन्ना त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री निशंक क्या नाम MP और पूरा कुंभ खाएगा थे, उसका क्यों नहीं गिरा जेल में भाई? 5-5 सौ बिघे वालों का क्या नाम मकान बने यहाँ से, 150 सौ बिघे वालों के उनके गरीब गरीबों के बन रहा क्या?
गरीबों क्या मना बीपीएल के कार्ड हुए क्या ना गरीब के पेड़े हैं और पैसे वाले क्या बीपीएल के ना कुछ नहीं सुनता यहाँ कोई यहाँ नहीं सुनता वो तो बड़े बड़े थोड़ा जाओ था नहीं संग उमेश कुमार जी क्या सुन रहे वो दो लौंडियों का ब्याह कर रही है पन पन से लौंडियों का ब्याह कर दिया और इस बत्ते क्या गरीब पर बन रहे चौदह पर 2 लाख रुपए लगा हड़के से ब्याह में हाँ जो गरीब का तो यही साथ है और कुछ नहीं अपनी लौंडियों को ठहरा जिस उन्हें ठुआ दे हमें तो यही बहुत है। चलिए सभी का अपना अलग अलग मत है सभी की अपनी अपनी विचारधारा है कोई किस पार्टी के बारे में क्या सोचता है कोई किसी व्यक्ति के बारे में क्या सोचता है इसके साथ साथ हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ झबरेड़ा विधानसभा कितना समर्थन करेगा उमेश कुमार ये देखिए यार ये तो आपके सामने है अपार जन समर्थन है रमजान चल रहे हैं कड़ी धूप में लोग इतनी तादाद में आप कैमरे से दिखाओ इतनी तादाद में लोग सड़कों पर खड़े हैं ये इतना समर्थन किसी पार्टी के पास नहीं है जितना विधायक उमेश कुमार शर्मा के पास निर्दलीय है। आप ये देखो इतना काम हुआ है मतलब जितना काम 20 सालों में नहीं कर पाया विपक्ष उतना काम उमेश कुमार शर्मा ने 2 सालों में अपने खानपुर विधानसभा में करके दिखाया है। और जो सामूहिक विवाह हुए थे हज़ारों से ज़्यादा सामूहिक विवाह हुए अपने निजी खर्च पर एक जनप्रतिनिधि कोई भी ऐसा दिखा रहा हो जिसने अपने निजी खर्च से 1000 या 2000 रुपये का ही कार्य कराया हो यहाँ पर करोड़ों के कार्य अपने निजी खर्च से कराए गए हैं वो चाहे किसी भी धरातल पर कोई सा भी कार्य हो विवाह हो धर्मस्थलों के निर्माण हो सौंदर्यकरण हो कुछ भी हो। अब मान लो बहुत बड़े बड़े ऐसे काम हुए खादर में 50 बेड का अस्पताल बना है जो कभी खादर को नहीं मिला कोई छोटा सा भी मामला हो जाए इतना उसे लेकर पहुंचते थे रुड़की जिला अस्पताल या हरिद्वार जिला अस्पताल इतना उसकी मृत्यु हो जाती थी वो काम उमेश कुमार जी ने इतना आसान किया है लोग एहसान मानते हैं उस चीज़ का बाईपास निकला है बहुत बड़े बड़े कार्य हुए हैं ये तो धरातल पर कार्य मौजूद है। और निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के पास इतना समर्थन है कि यहाँ किसी भी पार्टी के पास इतना समर्थन नहीं है कोई भी प्रतिनिधि आपको ऐसे वोट मांगता कहीं दिखाई नहीं देगा जैसे उमेश कुमार जी फिर रहे हैं। अच्छा आप कहते हैं कि बहुत सारे कार्य यहाँ पर किए हैं 2024 को मकसद रखते हुए भी तो कार्य किए जा सकते हैं बिल्कुल 2024 को देखिए ये जो 2024 का रन है सबसे पहले नामांकन किया उमेश कुमार जी ने सबसे पहले प्रचार शुरू किया और इंशाल्लाह सबसे पहले ही सबसे आगे जीत की दौड़ में सबसे शामिल है। उमेश कुमार जी कांग्रेस में जाने का भी विचार था नहीं नहीं ऐसा कोई विचार नहीं आया था कांग्रेस चाह रही थी उमेश कुमार जी को टिकट देना लेकिन ऐसा है उमेश कुमार जी के पास पार्टी की कुछ नीति होती है पार्टी की मतलब कुछ लिमिट होती है लेकिन उमेश कुमार जी बिना लिमिट के आदमी है उन्हें कोई काम करना है तो वो पार्टी की गतिविधियों में रह के नहीं करेंगे वो किसी पार्टी के मोहताज नहीं है। उमेश कुमार ने खुद बोला था कि टॉप में उनका नाम है कांग्रेस की टॉप उसमें उनका नाम है। देखो जो टॉप जो टॉप का नेता होता है वो बिना दावेदारी का भी टॉप रहता है बिना दावेदारी के कैसे नाम आ गया बिना वो हरिद्वार की जनता टैग कर करके राहुल गांधी को टैग कर करके कांग्रेस को जो डाल रही है वहीं से नाम आ गया टैग लिस्ट में। किसे मानते टक्कर किससे टक्कर किसी से टक्कर नहीं आए जैसे खानपुर में पार थे ऐसे हरिद्वार लोकसभा में पार है। अब तो पहले छोटा कुनबा था अब तो बहुत बड़ा कुनबा है आप देख रहे हैं खानपुर विधानसभा कल मंगलौर थे उससे पहले रुड़की थे आज झबरेड़ा में है ऐसे ही कुनबा बढ़ता जा रहे हैं किसी से कोई टक्कर नहीं है किसी के साथ में कोई टक्कर नहीं है उमेश कुमार जी की उमेश कुमार जी चुनाव जीत रहे हैं और भारी मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। कितने से अच्छा मार्जिन होगा अब ये तो देखो संख्या में तब्दील करना तो ठीक नहीं है लेकिन ये है लाखों से ज़्यादा मार्जिन है 5 लाख से हाँ बीजेपी 5 ही लाख लेगी हाँ हम 7 लाख है हाँ। चलिए सबका अपना अपना मत है और भी बातचीत करते हैं इधर आइए कहाँ से खानपुर विधानसभा से तो झबरेड़ा में जैसे आप लोग घूम रहे हैं जनसंपर्क कर रहे हैं क्या लगता है आपको उमेश कुमार जी के साथ कितना समर्थन है 100% है और बिल्कुल है उनके काम के हिसाब से है जैसा भैया कार्य कर रहे हैं विधायक जी उस हिसाब से मुझे नहीं लगता दल पल कुछ है आगे कोई नहीं है टक्कर में कहाँ पड़े हो चक्कर में काम तो विधायक जी ने सिर्फ अपने खानपुर में किया है तो झबरेड़ा विधानसभा है ये तो यहाँ पे विधानसभा में सिर्फ विधायक अभी वीरेंद्र जाति जी कौन कहता है अपनी विधानसभा में किए अपनी विधानसभा से अलग भी किए हैं उन्होंने बहुत सारे कार्य है जैसे कि निर्धन कन्याओं के नाथ की शादी कराई है और पेंशन बनवाने का काम किया है बहुत सारे गरीब जो परेशान हैं उन्हें चाहे अपने आर्थिक हिसाब से करें या कैसे भी करें पर उन्होंने मदद की है और मदद की है तब जन सलाह उनके साथ है। उमेश कुमार जी को वोट उमेश कुमार जी को इसलिए वोट है क्योंकि जो ये हमारे विधायक जी हैं 70 विधायक में से एक विधायक जी हैं ऐसे हैं कि जो सभी को अपने साथ लेके चलते हैं गरीब हो अमीर हो किसी में ये भेदभाव नहीं रखते हैं सबको एक समान मानते हैं। और रही वैसे भी हमें ना ऐसी राजनीति नहीं चाहिए जिसमें भांग की खेती उगे या हमें बिरादरीवाद नहीं चाहिए हमें भ्रष्टाचार मुक्त हरिद्वार चाहिए भ्रष्टाचार मुक्त हरिद्वार। तो क्या आपको लगता है कि उमेश कुमार जी भ्रष्टाचार मुक्त हरिद्वार बना पाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे जब खानपुर विधानसभा भ्रष्टाचार मुक्त कर दी तो हरिद्वार क्या चीज है बिल्कुल होएगी। कांग्रेस जो पार्टी है अच्छी है खराब है? अच्छी है।
हाँ इसलिए अच्छे क्योंकि पहले उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब की अभी जब हमारे विधायक है तो अभी सबसे फर्स्ट नंबर पर है। कांग्रेस पार्टी अच्छी है तो फिर उमेश कुमार जी के साथ वर्क वे तो पहले से पार्टी, लेकिन हम देखो हम वो हमारे हमें निर्दलीय के साथ हैं हम, लेकिन वे भी पहले ऊपरी। कांग्रेस पार्टी अच्छी है तो उमेश कुमार जी के साथ क्यों आप? तो हम तो उनके साथ हैं जब से वे आए हैं, पहले से नहीं आए थे, पहले कांग्रेस थी लेकिन अब तो ही आए हैं हम, दो ढाई साल से इनके साथ में। तो बीजेपी ये बोल लेंगे, चलो बोल दो थोड़ा सा। मैं खानपुर विधानसभा गांव माड़े बेले से हूँ, और ये जो हमारे विधायक जी है यहाँ के सदस्यों के लिए लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और इनके कार्यों के लिए ही इनकी आज जय जयकार है, और इनके कार्यों को देखते हुए पब्लिक आम जनता इनके साथ है। जय हिंद जय भारत। बस हम ये कहते हैं अच्छे प्रत्याशी हैं और हमारे बीच में आए हैं तो हम तो समर्थन देंगे उनको। बड़ा अच्छा लगा हमें उनका, काफ़ी लड़कियों ने शादी कराई बेचारों ने, और बहुत अच्छा इंसान है। अच्छे प्रत्याशी क्यों हैं ये और कोई क्यों नहीं है? हम ऐसा अखबार पढ़ जाते हैं, हम रोजाना अखबार आते हैं हमारे रहते हैं अखबार, बस अखबार डेली आते सुनते इनके बारे में। तो क्या और लोगों के बारे में अखबार में अच्छी बातें नहीं आती? आती है, सबके बारे में आती है अच्छी, बस थोड़ा अपना वो है हमारे अच्छे लड़कियों ने शादी कराई जो लड़की बड़ी होगी। शादी कराना ही सिर्फ एक ये वो तो नहीं, लेकिन फिर भी बहुत काम, बहुत बड़ा कार्य, बहुत पुण्य कार्य होता है शादी कराना। एक गरीब लड़की की शादी कराना एक बहुत पुण्य कार्य होता है।